नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में ब्लैक मनी यानी काला धन हमेशा से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं काला धन को लेकर हुए एक और खुलासे के बारे में। सरकार की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक एक साल में देश भर से 562 करोड़ की ब्लैक मनी पकड़ी गई है। FIU की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में संदिग्ध लेन देन, जाली करेंसी, टेरर फंडिंग और विदेशों से गैर कानूनी फंड ट्रांसफर के 200% ज्यादा केस पकड़े गए। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का लगाम लगाने के लिए इंटेलिजेंस विंग देश भर के बैंकों और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों की मदद लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जाली नोटों के मामले भी 16% बढ़े हैं। विदेशों से फंड ट्रांसफर के मामले 850% की बढ़ोतरी हुई है। बैंकों और अन्य फाइनेंशियल कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े 21 मामले आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FIU वित्त मंत्रालय की एक टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग है जो फाइनेंस से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखती है। इसे 2004 में बनाया गया था।